Assalamualaikum and a very warm welcome to Dr. Nosheeba Salman and Skin Solutions. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और इस गर्मी के मौसम में गर्मी गर्मी करने के अलावा हम कुछ और भी कर सक रहे होंगे. इतनी ज़्यादा गर्मी है और समझ में नहीं आता. हर वक्त यही लगता है माइंड में कि गर्मी है गर्मी है. अच्छा ये करें ये नहीं करें, यहाँ जाएँ यहाँ नहीं जाएँ, अभी जाएँ या बाद में जाएँ, बस कुछ इसी तरह से जो है वो माइंड में चलता रहता है. आप सब लोग बताएं आप सब लोग कैसे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं, और अगर रख रहे हैं तो कैसे रख रहे हैं. और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप लोग पानी कितना पी रहे हैं, और जिन लोगों को बाहर ज़्यादा निकलना होता है क्या वो लोग अपना हेड कवर कर रहे हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेविंग द हेड्स. प्लीज़ अगर आप सर से बाल हटा देते हैं बच्चों के या किसी के भी, के गर्मी का मौसम है तो आप सोचें आप उसके सर को डायरेक्टली एक्सपोज कर देते हैं सनलाइट में, विच इज़ वेरी डेंजरस, ज़्यादा हार्मफुल है और बड़ी आसानी से हीट स्ट्रोक हो सकता है. बाल तो सर को कुछ कवर करके रखते हैं, कुछ शेड दे के रखते हैं, लेकिन फिर भी जब बाहर निकलें तो कोशिश करें कि अगर तो ज़्यादा धूप वाला टाइम है जैसे 11 से 3 के दरमियान वाला, तो आप कोई गीला कपड़ा कोई गीला टॉवल जो है वो ज़रूर रखें, ताकि अगर आप टोटली एक्सपोज्ड एरिया में हैं सनलाइट में हैं तो आप अपने सर को ठंडे कपड़े से ढक के रखें. और वैसे भी ये बहुत अच्छा है कि आप हैट पहन के रखें. हैट का जो ब्रिम होता है वो चौड़ा होता है तो वो आपको धूप से भी बचा लेगा और सर को कवर करके रखेगा, तो उससे जो है वो हीट स्ट्रोक का डर भी कम होता है जी. तो बताते जाएं आप सब लोग कैसे हैं, सब ज्वाइन करते जा रहे हैं, साथ साथ बातें तो चलती रहेंगी. इसके साथ साथ जो है वो आज का टॉपिक भी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो ये कि जिस तरह गर्मियां जो हैं वो अपने एक्सट्रीम पे होती हैं तो वो आपकी स्किन पे डिफरेंट तरह का इफ़ेक्ट देती हैं, चाहे वो आपके हाथों की स्किन हो, चाहे आपकी बॉडी की हो, चाहे आपके फेस की स्किन हो, उसके ऊपर डेफिनेटली इतने गर्म मौसम का इफ़ेक्ट आता है. और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ज़रूर चेंज करें, क्योंकि जब आप अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड अकॉर्डिंग टू योर स्किन तो उससे इश्यू नहीं होगा, आपकी स्किन ठीक रहेगी और जो प्रॉब्लम्स हैं वो कदरे कम हो जाएंगे. उसी तरह से जैसे हमारी स्किन पे इशू आ रहे होते हैं और गर्मियों से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उसी तरह से हमारी जो सर की स्किन है यानी कि हमारी जो स्कैल्प है उसके भी इश्यूज होते हैं. और गर्मियों में ह्यूमिड और हॉट वेदर में यानी कि गर्मी भी ज़्यादा हो और नमी भी ज़्यादा हो तो उसमें क्या क्या इशू होता है जो सबसे ज़्यादा टॉप पे आता है, दैट इज़ डैंड्रफ यानी कि खुश्की और सिकरी, जिसको खुश्की और सिकरी बोलते हैं. और मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इसको खुश्की और सिकरी उर्दू में इसका नाम किसने रखा है और क्यों रखा है, क्योंकि लोग जो हैं वो तेल पकड़ते हैं और तेल सर पे लगाना शुरू कर देते हैं कि सिकरी और खुश्की हो गई है तो तेल लगाना शुरू कर दो, जबकि डैंड्रफ यानी कि एक टाइप ऑफ फंगस होती है जो कि सर पे लग रही होती है, जब वो लगी हुई हो तो आपको तेल नहीं लगाना चाहिए. अगर आप तेल लगाएंगे तो आपके पोर्स जो हैं वो क्लॉग हो जाएंगे, और अगर आपको कोई दवाई दी भी होगी जो कि आपने सर की जिल्द पे लगानी है तो वो अंदर कैसे जाएगी, वो काम कैसे करेगी, तो होगा क्या कि आपकी जो खुश्की है सिकरी है या जो आपका इशू है वो और ज़्यादा हो जाएगा, कम नहीं होगा, ये अच्छा तरीका नहीं है. अब हम आ जाते हैं कि क्या होता है गर्मियों में ऐसा कि डैंड्रफ बहुत ज़्यादा यानी कि खुश्की सिकरी बहुत ज़्यादा लोगों में प्रेवलेंट हो जाती है. उसकी वजह ये होती है कि एक तो जो आपका सर है अगर आप उसको रोज़ वॉश नहीं करते हैं तो जो आपके सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, जैसे चेहरे के ऊपर तेल बनाने वाले खुलिए या फिर तेल बनाने वाले ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, वो सीबम प्रोड्यूस करते हैं और उनका नंबर या उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है गर्मियों के मौसम में, उसी तरह से जो सर की स्किन होती है उसके ऊपर भी ये ग्लैंड्स होते हैं और उनकी एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है. अब जाहिर है जब वो हाइपर एक्टिव हुए हुए हैं तो वो ज़्यादा बनाएंगे, ज़्यादा सीबम बनेगा, जब ज़्यादा सीबम बन रहा है तो उसमें बहुत आसानी से फंगस लग सकती है, जिसको कि हम कहते हैं बेसिकली तो डैंड्रफ ही कह रहे होते हैं आप लोग, हम लोग उसको जो है वो सिबोरिया भी कह रहे होते हैं, और साथ साथ लोगों को पिम्पल्स भी बनना शुरू हो जाते हैं सर में. और एक और बहुत बड़ा इशू होता है ख़ारिश का, ख़ारिश बहुत हो रही होती है. हर दूसरा बंदा कह रहा है जी मेरे सर में खुश्की सिकरी है और ख़ारिश बहुत होती है, और उसके अलावा जब पूछते हैं तो पता चलता है कि सर में पसीना भी आ रहा है.
और अगर आप पसीने वाला सर जो है वो छोड़ देंगे, उसको शैम्पू नहीं करेंगे, तो आप सोच नहीं सकते कि वो कितना हार्मफुल होता है। वो आपके सर की जिल्द के ऊपर ही रह जाता है, उससे आपके बाल टूटेंगे भी, आपके बाल गिरेंगे भी, आपके बाल ख़राब होंगे, और उसके साथ साथ ऑब्वियस सी बात है कि डैंड्रफ या खुश्की सिकरी तो होनी ही है, वो सब इसी से रिलेटेड है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब गर्मियों का मौसम है उसमें आप कोशिश करें कि आप अपने सर को या तो हर रोज़ धोएं, अगर आपकी एक्टिविटी ऐसी है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बच्चे गेम्स करते हैं, या कोई बड़े भी हैं और वो गेम्स करते हैं, या वो रोज़ बाहर निकलते हैं अपने काम के सिलसिले में और इतनी गर्मी है और उनको सर पे पसीना आता है, तो डेफिनेटली आपने वापस आके काम से वापस आके शैम्पू ज़रूर करना है। अगर आप शैम्पू नहीं करेंगे तो अगले दिन तक वो सारे का सारा पसीना जो है वो आपके सर की स्किन के ऊपर होगा और उसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। इवन बाल टूटेगा, कमज़ोर होगा, बाल गिरेगा और ख़ारिश तो बहुत होती है। अगर आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद नहा लिया करें। लेकिन लेडीज़ जो घर में किचन में काम कर रही होती हैं, वो बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हैं, या ऐसा उनका काम है कि कुछ घंटे उनको काम करना पड़ता है और उनके सर में स्वेटिंग हो जाती है, पसीना आ जाता है, तो एक तो ये करें कि ऐसा ना करें कि आप कॉन्टिन्यूस किचन में खड़े हैं। आप कोशिश करें कि अगर आपका काम लंबा है, ज़्यादा देर का है, तो फिर आप आधे घंटे के बाद 5-6 मिनट के लिए फैन में चले जाएं। और अगर सर में पसीना आ गया हुआ है तो उसको जो है बालों को खोल लें और खोल के जो है वो एयर ड्राई कर लें, पंखे की हवा में सिर्फ आप अपने बालों को जो है वो ड्राई कर लें, ताकि आपके सर के अंदर जो पसीना आया हुआ है वो आप ड्राई होने दें एयर से। उससे ख़ारिश नहीं होगी, उससे आपके बाल जो है वो गिरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, और उसके साथ साथ खुश्की सिकरी का चांस जो है वो कम हो जाएगा। तो ज़रूर आप काम करें, काम तो जाहिर है सबने करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो एहतियात है, जो चेंजेस हैं वो ज़रूर कर लें। अगर आपको आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है और रोज़ जो है वो इतना सीबम नहीं बनता, सर से इतना ऑयल नहीं आता, सर पे इतना पसीना नहीं आता, इतनी ख़ारिश नहीं है, तो फिर आप एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद भी सर पे शैम्पू कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको चेंज कर लेनी चाहिए गर्मियों के मौसम में। अब हम आ जाते हैं कि बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि मतलब बच्चे होते हैं और बच्चों के सर के ऊपर से बाल हटवा दिए हुए होते हैं क्योंकि उसके सर में डैंड्रफ होती है, सिबोरिया होता है। बच्चों में तो सिबोरिया से आगे सिबोरिक डर्माटाइटिस भी बड़ा कॉमन है और उसके अलावा क्रैडल कैप भी होती है, यानी कि एक इन्फेक्शन होता है जो कि सर में चलना शुरू हो सर में होना शुरू हो जाता है। अगर खुश्की सिकरी या जिसको सिबोरिया या सिबोरिक डर्माटाइटिस बोलते हैं वो ठीक नहीं होता, उसे कंट्रोल नहीं करते। लेकिन आप प्लीज़ बच्चों के बाल ना उतरवाए, इसलिए कि मैंने आपको भी बताया कि गर्मियों के मौसम में अगर आप इस तरह से करेंगे तो जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो ये है कि गर्मी लगने का चांस या जो हीट स्ट्रोक है उसका चांस ज़्यादा हो जाएगा। कोई वजह ही होगी तो सर पे बाल रखे हैं ना अल्लाह मियां ने, आप उसको हटाना क्यों चाहते हैं? अगर उन्होंने दिए हैं तो आप क्यों हटाना चाहते हैं? अच्छा, उसके अलावा ये होता है कि आप कोशिश यही करें कि बच्चे जैसे बाहर खेलने के लिए जाते हैं और उनको पसीना आ जाता है, तो आप उनकी एक्टिविटी के बाद उनको शाम को नहला दें। आप सुबह बेशक उनको ना नहलाएं, आप उनको शाम को नहला दें ताकि उनका सर जो है वो साफ रहे। इसके साथ साथ ऑयल लगाना, अब जैसे मैं आपको ये कह रही थी कि ऑयल आप इसलिए अवॉइड करेंगे कि ऑलरेडी आपके सर के जो खुलिए हैं, जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इस मौसम में। अगर आप ऑयल ही उसके ऊपर और ऑयल लगा देंगे तो फिर आप सोचें कि क्या होगा, सारे का सारा पसीना और पसीने वाली सरफेस और उसके ऊपर आपने ऑयल लगाया हुआ था और वो सारे का सारा ऑयल आपके जो है वो यहाँ तक आ रहा होगा, वो इसलिए कि वो स्किन के अंदर से सीप इन करता है, स्किन के अंदर से ट्रेवल करता है, तो फेस के ऊपर भी दाने बन सकते हैं, वाइट हेड्स बन सकते हैं, ब्लैक हेड्स बन सकते हैं, पिंपल्स बन सकते हैं, और उसके साथ साथ आपके बाल जो हैं, आपके सर की जो स्किन है वो ख़राब हो जाएगी ना। और जब सर की स्किन ख़राब होगी तो उसके ऊपर बाल कहाँ से अच्छे होंगे, वो भी नहीं होंगे, और फिर बाल गिरना टूटना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको साथ में थोड़ा सा ये दिखाने लगी हूँ, कुछ शैम्पूज और कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जिनको यूज़ करके आप आसानी से अपने सर की स्किन को हेल्दी रख सकते हैं गर्मियों के मौसम में भी, और बालों को, साफ सुथरे बालों को या हेल्दी बालों को भी इंजॉय कर सकते हैं और करना चाहिए। उसके इसलिए तो बाल नहीं है कि आप जो है वो उनको उनसे परेशान रहें, उनको इंजॉय भी करना चाहिए और ये मौका पूरा मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक दिखा रही हूँ, जिन लोगों को फंगस लगी हुई होती है सर पे, उनके लिए ये शैम्पू है और ये बहुत अच्छा है।
ऐसे लोग ये ज़्यादातर जो है वो हम प्रिस्क्रिप्शन पे ही देते हैं कि आप डॉक्टर के पास आए और हम यूज़ करें। अगर तो बहुत ज़्यादा इशू है तो आपने डेफिनेटली अपने डॉक्टर के पास जाना है। और अगर आपको डैंड्रफ है और बहुत ज़्यादा डैंड्रफ और सर जो है वो इची स्कैल्प हुआ हुआ है, ख़ारिश होती है उसके ऊपर, तो फिर आप ये वाला शैम्पू जो मैं दिखा रही हूँ ये आप हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ कर लें, और उसके अलावा आप अपना कोई सा नॉर्मल शैम्पू साथ में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और शैम्पू दिखा रही हूँ। ये शैम्पू देखे, ये आप डेली बेसिस पे, वो लोग जिनके सर में डैंड्रफ बहुत होती है, ऑयल बहुत आता है और उसके अलावा जो है सर में ख़ारिश बहुत होती है, वो लोग इसको डेली यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि आप डेली यूज़ करेंगे तो बाल ख़राब हो जाएंगे। बालों पे तो शैम्पू लगते ही नहीं है, लगाना ही नहीं होता, या आपके सर की स्किन जो है वो ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बालों के ऊपर कंडीशनर्स लगाए जाते हैं और ये है जी शैम्पू। तो शैम्पू आपने डेली करना है, ये डेली करने के लिए है और ये डेली किया जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको एक और शैम्पू दिखाने लगी हूँ। ये वाला शैम्पू देखें, ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, बहुत अच्छी इसकी फॉर्मुलेशन है। आप इसको डेली बेसिस पे भी यूज़ करेंगे तो ये आपके सर की स्किन को ख़राब नहीं करेगा, आपका सॉल्यूशन जो आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देगा और कोई इशू नहीं देगा। बालों के ऊपर शैम्पू नहीं लगाना होता, स्किन के ऊपर शैम्पू लगता है और बालों के ऊपर आपने कंडीशनर्स यूज़ करने होते हैं। अब मैं आपको एक और शैम्पू दिखाने लगी हूँ। ये वाला शैम्पू देखें, जिन लोगों को सर में दाने बनते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है और साथ में इचिंग होती है, उनके लिए ये शैम्पू बेहतरीन है। और ये शैम्पू जो है ये आप डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको एक और शैम्पू दिखाने लगी हूँ, ठीक है। ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एंटी डैंड्रफ प्लस एंटी हेयर फॉल है, यानी कि एक ही शैम्पू है, इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, एंटी डैंड्रफ एंड एंटी हेयर फॉल, दोनों चीज़ें जो है वो आप दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं। तो जिनके बाल गिर रहे हों और साथ में सर में खुश्की सिकरी डैंड्रफ है, इचिंग है, वो ये यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह का एक और शैम्पू मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो है ये भी बेसिकली जो है वो डबल एक्शन है, इसका ये मतलब है कि इसमें एंटी हेयर लॉस प्रॉपर्टीज भी हैं और उसके साथ साथ एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज भी हैं। तो एक ही शैम्पू आप यूज़ करेंगे, जिन लोगों के बालों में खुश्की है, सिकरी है, सर में ख़ारिश होती है, ऑयल बहुत आता है और उसके साथ साथ बाल टूटते या गिरते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन है। अब हम आ जाते हैं एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ऑयली स्किन्स होती हैं तो उनके सर की स्किन भी ऑयली होती है और वो बहुत ज़्यादा ऑयल बना रही होती है, सेबेशियस ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव होते हैं जिसकी वजह से सर में तेल बहुत ज़्यादा बनता है और सर में ख़ारिश होती है। और जैसे मैं फेस की स्किन के बारे में बताती हूँ कि आपकी जो फेस की स्किन है अगर उसके ऊपर से डेड स्किन नहीं उतरेगी तो चीज़ों की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। आप तो लगा रहे होते हैं, आप कहते हैं मैं ये सिरम भी लगाती हूँ, मैं ये क्रीम भी लगाती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, लेकिन मेरी स्किन पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता, जो मर्जी क्रीम लगा ले। तो उसमें यही होता है कि जब तक आपकी डेड स्किन नहीं हटती है तब तक उससे ये हो जाता है कि बार बार जो है वो आप चीज़ें तो लगा रहे होते हैं लेकिन उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होता और वो अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही होती है। तो अब मैं आपको जो दिखाने लगी हूँ वो है ये पीलिंग मास्क, ठीक है। इसको आपने लगाना होता है सर की स्कैल्प पे, यानी कि स्कैल्प पे लगाना है, सर की स्किन के ऊपर लगाना होता है, जैसे ऑयलिंग करते हैं ना उसी तरह से आपने स्कैल्प पे लगाना होता है। जब आप इसको लगाएंगे तो उसके तकरीबन आधे घंटे या एक घंटे के बाद आपने शैम्पू कर लेना है। इसको आधे या एक घंटे के लिए सर पे लगा रहने दें, ये बालों के लिए नहीं है, ये सर की स्किन के लिए। जिन लोगों को एक्सट्रीम डैंड्रफ होती है या जिन लोगों के सर में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और उसके साथ साथ ऑयल बहुत बनता है और दाने भी बनते हैं, उनको भी हम ये देते हैं और ये वॉन्डर्स करता है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये डेड स्किन को हटा देता है। जब डेड स्किन हट जाती है तो जो भी आप चीज़ लगा रहे होते हैं, जो आपको लगाने के लिए दी होती है, उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके कलर ट्रीटेड या डाइड हेयर होते हैं, जैसे मेरे बाल हैं, ये जो है ये डाइड हेयर हैं, इन पर डाई हुआ होता है। ऐसे बालों के लिए कि आपके बाल भी ख़राब ना हो और आप डेली शैम्पू करके अपने सर को ठीक रख सकें, सर की स्किन को ठीक रख सकें, उनके लिए ये है, ठीक है। ये जो है ये बहुत अच्छा शैम्पू है,
ये डाई सेफ है, कलर सेफ है, इससे डाइज उतरते नहीं है, आपका बाल रफ नहीं होगा, आपके बाल का स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा और उसके अलावा आपका स्कैल्प हेल्दी रहेगा। आप इसको डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं जैसे मैं करती हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे तो जो बाल हैं वो इतने रूखे लगते हैं क्योंकि सर में जो है वो डैंड्रफ होती है, जब सर की स्किन पे डैंड्रफ होती है वो हेल्दी नहीं होती है, तो एक बहुत बड़ा इशू जो आता है वो यही होता है कि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, रफ और फ्रिजी लगता है। तो उसके लिए आप कोई सा कंडीशनर यूज़ करें और उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है ये सिरम है, या आपने वेट हेयर पे फ्यू ड्रॉप्स लगाने हैं तो आपके बाल शाइनी, स्मूथ, हेल्दी रहेंगे, बिल्कुल कोई आपको रफनेस फील नहीं होगी और आपको ये भी नहीं लगेगा कि बाल इतना गंदा लग रहा है, इसका बनाना क्या है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सिरम है, कोई भी इसको लगा सकता है। इवन जो मेल्स हैं और वो कहते हैं कि हम बाहर जाते हैं और हम अपने बाल बनाना चाहते हैं, हमें कुछ लगाने के लिए बता दें, तो दिस इज़ वेरी नाइस। ये जब आप लगाएंगे तो आपके बाल हेल्दी भी रहेंगे, आपके बाल ख़राब नहीं होंगे, ड्राई नहीं होंगे, रफ फ्रिजी नहीं होंगे और जो भी आप स्टाइल बनाना चाहेंगे वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थे जी क्या कहते हैं कुछ प्रोडक्ट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, और शेयर करने का रीज़न एक ही होता है कि आप लोगों को जो है वो कोई ना कोई आइडिया या गाइडलाइन ज़रूर मिल जाए कि आपका इशू जो है वो क्या है और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं।